ठंडी हवाओं के झोंके, खुमार आलूद फजा और जहाजों की बढ़ती लैंडिंग, लाहौर की आन बान शान, किनाल रोड नशे अफराद का नया ठिकाना, नहर के साथ साथ मुस्तकिल डेरे, खूबसूरत नजारा किसी माहौल से बर्बाद होने लगा, इंतजामिया बेखबर। पंजाब में कोरोना का कोई मरीज नहीं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में 6 मुश्तबा मरीज दाखिल हैं। बारिश के शुबे में 41 अफराद हॉस्पिटल दाखिल किए गए, 35 को क्लियर करार देकर घर भेज दिया गया। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का बयान। कोरोना वायरल इन्फेक्शन फेफड़ों को मुतासर करता है, बचाव के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। वायरस के शिकार मरीजों को मास्क पहनना जरूरी, वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमिन राशिद का तकरीब से खिताब। बोली नवाज शरीफ की रिपोर्ट पर शकूफ जाहिर करने वाले डॉक्टर नहीं, साबिक वजीर आजम के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। कोरोना के खदशा, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर खुदकार थर्मल स्कैनर नष्ट कर दिए। स्कैनर खुदकार तरीके से बुखार और फ्लू में मुब्तला मुसाफिरों की निशानदही करेगा, जदीद स्कैनर से 100% दुरुस्त नतायज भेजने का दावा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने एम्प्लॉयमेंट वीजे से पाबंदी उठा ली। सऊदी मुमलिकत ने वर्क विजिट वीजा और फैमिली विजिट वीजा रखने वाले मुसाफिरों को भी सऊदी अरब दाखिले की इजाजत दे दी। पीआईए और सऊदी एयरलाइन के जरिए ही सऊदी अरब दाखिले की इजाजत होगी। कीमती और नायाब परिंदा चकोर, कोंज की गैर कानूनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। महकमा जंगली हयात ने कीमती परिंदों को तहवील में लेकर दो स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। ऑल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन मुतालबात के हक में सड़कों पर, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिदीन की फ्लैक्सेस उठाकर नारेबाजी। पैरामेडिक्स और हेल्थ केयर कमीशन पंजाब ने रजिस्टर्ड करने, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के क्याम का मुतालबा। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को 10,000 अलाउंस, पैरामेडिक्स को 5,000 रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। हर आंख अश्कबार, इलाका सोगवार, भाटी गेट पीर मके ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक तीनों बच्चों की नमाज जनाजा अदा। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, सुबह के वक्त तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से पेश आया। ट्रक ड्राइवर की दम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का लाशें मौत गेट पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला ने दादरशे के लिए इकदाम की हिदायत कर दी, पुलिस रिपोर्ट तलब। हादसे में जाम भग 12 साल अरसलान के वालद की मदयत में मुकदमा दर्ज। रायबंड चिनारबाग के करीब बस और कंटेनर में तसादुम, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने जख्मियों को रायबंड THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे की शिकार बस तबलीगी जमात के कारकुनान को मरदान से लेकर रायबंड आ रही थी। समनाबाद नाले से नौजवान की लाश बरामद, 27 साल मोहम्मद खलील, गुजश्ता रोज पोल पर बैनर लगाते नाले में गिर गया। हादसाती मौत का शिकार मोहम्मद खलील फाकी कॉलोनी जौहर टाउन का रिहायशी और दो बच्चों का बाप था। मयारी तलीम के नाम पर धोखा और लूटमार, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की नौसरबाजी, 2,87,000 जाली दाखिलों के जरिए 1 अरब 10 करोड़ हड़प कर लिए गए। गजब करप्शन की अजब कहानी, मंजरियाम पर आने के बावजूद पेप स्कूलों को फंड्स की फराहमी बदस्तूर जारी, डीजी नैब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी हॉस्टल्स गैर इखलाकी हरकत का सबब बन रहे हैं, LDA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के इजलास में हॉस्टल्स के कायम की मजम्मत, हुकाम से रिहायशी घरों का कमर्शियल इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम का मुतालबा। तरक्कियों से महरूम पुलिस एहलकारों की जानिब से सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का अंबार, हुकाम का फौरी नोटिस, 15 साल से रुकी तरक्कियां बहाल। इब्तदाई तौर पर कांस्टेबल्स और ASIs की तरक्कियां, मुतासर एहलकारों का क्लर्क माफिया पर ACR के लिए रिश्वत मांगने का इल्जाम। छुट्टी के रोज भी हज दरखास्तों की वसूली, स्टेट बैंक के हुक्म पर कमर्शियल बैंकों की मखसूस ब्रांचें दरखास्त वसूली के लिए 2:30 बजे तक खुली रहेंगी। बैंकों ने गुज़श्ता रोज भी छुट्टी के बावजूद हज दरखास्तें वसूल की। पेट्रोल के बाद LPG की कीमतों में भी कमी, ओगरा की जानिब से 12.71 रुपए प्रति किलो कमी से नई कीमत, 129.67 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 150 रुपए की कमी, जबकि ग्राम फरोशों का राज, LPG के 160 रुपए प्रति किलो में फरोख्त जारी। जिले इंतजामिया खामोश,
शहरियों का इंतजामिया से गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। टाउनशिप बाजार में सब्जियों के निर्खों में उतार चढ़ाव, आलू प्याज और लीमों के निर्ख में इजाफा। आलू 25 रुपए बढ़कर 31, प्याज 57 रुपए बढ़कर 66 रुपए, लीमू 55 रुपए बढ़कर 65 रुपए फी किलो हो गए। टमाटर 4 रुपए, लहसुन 20 रुपए, भिंडी 5 रुपए सस्ती। शहरियों का हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। आटा चीनी दालें चावल खुद से महंगा कर देते हैं, कोरोना आया तो मास्क महंगे कर दिए, मुल्क में सिवाय अखलाकियात के किसी चीज की कमी नहीं। वजीर सनत असलम इकबाल का डी प्राइमर स्कूल की तकरीब से खिताब, बोले वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पर जोर दें, उन्हें एक दर्दमंद और हसास दिलाने वाला फर्शनाश शहरी बनाए। रुस्तम पार्क, शालीमार रोड और दीगर इलाकों की सुनी गई। वफाकी वजीर ब्राइक सादी अमूर हमाद अजहर ने मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती मनसूबों का इफ्तिताह किया। सीवरेज और सड़कों की तामीरात होगी। हमाद अजहर कहते हैं कि मईशत को ICU से निकाल कर जनरल वार्ड में लाए, अब मईशत मुस्तहकम हो रही है, जबकि कुछ सख्त फैसलों के बायस महंगाई बढ़ी। अशिया और नौशी कीमतों में जल्द नुमाया कमी होगी। कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय फौज का मुकाबला कर रहा है, भारतीय फौज जल्द कश्मीर से भाग जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का तकरीब से खिताब, बोले हमारी खवातीन हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। प्रोग्राम में अफगान माओ को भी खराज तहसीन पेश। NFC कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज टू में प्लॉट्स की डेवलपमेंट ना होने पर मेंबरान सराफा एहतजाज। मुजाहरीन कहते हैं कि तमाम रकम की दागी के बावजूद शहरियों को प्लॉट्स का कब्जा नहीं दिया गया। फेज टू में सिविल वर्क, बिजली और गैस का काम भी 17 साल से जेर इल्तवा है। मुल्तान रोड ठोकर न्याज बेग पर बाबे लाहौर का मंसूबा, DG LDA सुमेर अहमद का आला हुकाम के हमराह दौरा, तामीराती काम का मुआयना। 60 फुट बुलंद और 130 फुट चौड़े बाबे लाहौर की तामीर पर 2.5 करोड़ लागत आएगी। ए तारीख के किरदारों, रास्ता नहीं मंजिल हो, धड़कन नहीं तुम दिल हो। जिले हुकूमत का तहरीक पाकिस्तान के जुदोजहद के सिपाहियों को खिराज तहसीन। अंदरून लाहौर भाटी गेट कौमी तराना के खालिक अबू अल नसर हफीज जलंधरी की रिहाइश गाह के बाहर यादगारी तख्ती नस्ब। वजीर शहर यासमीन राशिद ने बैंड बाजों और शहनाइयों की गूंज में यादगारी तख्ती नस्ब की। थीटा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ग्रीन टाउन की सालाना तकरीब, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, साबिक रुकने कौमी असम्बली उमर सुहेज जाबट की शिरकत। कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। MPA सैफल ब्लू खोखर की गिरफ्तारत, इलाका मकीनों का इजलास। कहना शहजादा रोड और शालीमार टाउन समेत दीगर आबादियों में सफाई के नाकिस इंतजाम, कचरे के ढेर और ताफुन की शिकायत। LWMC अमले की मजम्मत, लीगी रहनुमा का हुकाम से तमाम इलाकों में बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन अंजाम देने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल की खियाबान अमीन में लीगी कारकुनान से मुलाकात, लीगी रहनुमा मियाँ इमरान जावेद भी हमराह थे। मुलाकात में बालड़ियाँ, कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों के तरक्याती कामों बारे गुफ्तगू हुई। राना मुबशर इकबाल कहते हैं कि अपोजिशन में होने के बायस हुकूमत तरक्याती कामों के लिए फंड फराहम नहीं कर रही। गुलशन अब्बास स्कीम के इलाका मकीनों का दरीना मसला हल हो गया, हल्के में तरक्याती काम मुकम्मल। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि इलेक्शन से कबल जब वोट मांगने आया तो एक ही वादा किया जो आज पूरा हो गया। लीगी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के मीडिया कोऑर्डिनेटर इकबाल चौधरी की खुश दामन की बरसी। तकरीब में सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरिया, शेख उमर, साबिक डेप्यूटी मेयर मियां मोहम्मद तारिक समेत दीगर की शिरकत। मरहुमा की रुख के साले सवाब के लिए कुरान खानी करवाई गई, महफिल मिलाद मुस्तफा का एहतमाम भी किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी तसादुम, जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जख्मी होने वाले घाट के घर आमद, साथियों के हमराह आयादत की, जल्द सेहत याबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वाकई पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत जामिया का माहौल खराब किया जा रहा है।
ट्रैफिक वार्डन की महकमाना तरक्की का मामला, स्पेशलाइज ट्रैफिक कोर्स करने वाले वार्डन का रिजल्ट आ गया। सीनियरिटी लिस्ट में गुजरावाला का ट्रैफिक वार्डन शमरेस अख्तर गोंदल का पहला नंबर, लाहौर का ट्रैफिक वार्डन शकीर अहमद दूसरे नंबर पर। कोर्स मुकम्मल करने वाले वार्डन को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिलेगी। पीएमएस और पीसीएस एसोसिएशन के जरिए तमाम कॉन्वोकेशन का इनेकार, सदर एमएस पंजाब तारिक महमूद अभान, डॉक्टर असीमुर रहमान खान, अब्दुल गफूर बेग और दीगर की शिरकत। सिविल सर्विसेज अफसरान का मुतबक रिफॉर्म्स के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया, विफाकी अफसरान की सुबह इंतजामी पोस्टों पर तायुनात के अहकाम वापस लेने का मुतालबा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनाम, तालब इलमों की जानब से खूबसूरत परफॉर्मेंसेज पेश, शुरका ने खूब दाती। तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालिबात को इनाम से नवाजा गया। तैयारों की कमी और फनी खराबियों का सिलसिला जारी, आने और जाने वाली नौ परवाजें मुतासर, 3 मनसूख और 6 ताखीर का शिकार हुई। मनसूख होने वाली परवाजों में तेहरान, रियाज और जद्दा की परवाजें भी शामिल, मुसाफिर परेशानी का शिकार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 808 में उसकी मुनासिबत से दाता दरबार में तसव्वुफ सेमिनार, चेयरमैन नेशनल मशाइख काउंसिल ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी ने सेमिनार की सदारत की। डॉक्टर ताहिर अजाम बखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, सज्जाद मीर और दीगर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दीन इस्लाम के लिए खिदमात पर रोशनी डाली। कानूनी कुतुब के पब्लिशर सैयद अली हादी कौसर की अहलिया की बरसी, तकरीब में जस्टिस अली बाकर नजफी, सेशन जज अमजद अली शाह, एसएसपी हमाद रजा और दीगर की शिरकत। मरहूमा के साले स्वाब के लिए कुरान खानी का अहतमाम किया गया। अलामा हुसैन अकबर ने मौत व हयात के फलसफे पर खिताब किया। कौम की माओ बेटियों बहनों, कौमों की इज्जत तुम से है, जमात इस्लामी लाहौर का खवातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गैरत मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने कारकुनों को शहरियों से रबते की हिदायत कर दी। ट्रांसपेरेंट हैंड और लाइफ हॉस्पिटल के जरिए तमाम मेडिकल कैंप, 900 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया गया। कैंप में आंखों, अरकान, ब्लड प्रेशर, टीबी समेत दीगर बीमारियों के टेस्ट किए गए। आंखों के अमराज में मुबतला 100 मरीजों को ऑपरेशन के लिए टाइम दिया गया। शादबाग के रिहायशी बच्चे के दिल में सुराख जाहिर होने पर फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। इस्तकबाल बहार के लिए जश्न बहार फेस्टिवल, बहार मेले की तैयारियां मुकम्मल, कल से शानदार आगाज। डीजीपी एचए मुजफ्फर खान सियाल का जलानी पार्क का दौरा, इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। अलहमरा हॉल में द प्रीमियर स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकार, वजीर तजारत मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर ने तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालबा व तालिबात को सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। रंगो नूर की दुनिया से एक और बुरी खबर, लाइम लाइट जोड़ी सायरा और शहरोज ने राहें जुदा कर ली। अदाकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी खत्म करने का ऐलान कर दिया। शोबिज जोड़ी गुज़श्ता कुछ अरसे से इख्तलाफात का शिकार थी।